हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आर्ट। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपको पता होगा कि ईवीएस में संविधान के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए लेके आए हुए दूसरा वीडियो है संविधान का। इसमें 30 प्रश्न होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप आखिरी तक जरूर देखना। एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, एलोबरेट भी करूँगा मैं, आपको जरूर बताऊँगा कि कैसे से क्या, थोड़ा डिटेल में जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो संविधान के सारे भाग आपको पता होने चाहिए, जैसे कि भाग 1 है वो संघ एवं उसका राज क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मूल अधिकार, और भाग 4 जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भाग 2। भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4-2, भारत के किस राज्य में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? दोस्तों भारत में वैसे तो सिंगल नागरिकता है सारे स्टेट पे, अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान रखा गया है, लेकिन भारत का एक राज्य है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, एक भारत की नागरिकता, दूसरा जम्मू कश्मीर की नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, जो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि कौन से सोर्सेज हैं हमारे संविधान के। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आपको पता है दोस्तों कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में हमारे यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 31 में पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन जो संविधान का संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978 में, उसके तहत इसको हटा दिया गया था। तो अभी ये संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मैंने अभी बताया जो 44वां संविधान संशोधन था उसके तहत आपका मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो एक मूल अधिकार था, उसको हटा के कानूनी अधिकार यानी संविधानिक अधिकार के रूप में तब्दील कर दिया गया था। तो ये जो संशोधन है ये मूल अधिकार से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, हर एक परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान देना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों ये भी ध्यान देने की जरूरत है, 42वां संविधान संशोधन, दूसरा 44वां, नेक्स्ट 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये चार संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो 42वां आपका 1976 में हुआ था, ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय, और 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, जो कि संपत्ति के मूल अधिकार को हटा लिया गया था, जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची से संबंधित है? ठीक है, जो आपकी अनुसूचियाँ हैं, इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी शेड्यूल्स, ठीक है, तो हमारी जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य संबंध है। ठीक है, जो संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची के जो विषय हैं वो इसी अनुसूची में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दल बदल संबंधित विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है? तो दोस्तों जो भी पार्टी में जो नेता होते हैं, खासकर जो चुने हुए प्रतिनिधि या तो सांसद हों या विधायक हों, तो वो एक दल से दूसरे दल में बहुत पहले वो करते थे, तो उसको रोकने के लिए एक जो है कानून आया था, तो उसमें बहुत सारे प्रावधान है, तो उसकी एक अनुसूची बनाई गई थी जो कि 10वीं अनुसूची है। ठीक है, दल बदल संबंधी विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें से 22 भाषाएं हैं, लेकिन 22 भारतीय भाषाएं हैं। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो अंग्रेजी भाषा है, वो भारतीय भाषा नहीं है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा उसमें नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? मैंने अभी जस्ट बताया 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो पहले जब हमारा संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल्स थी,
नवीं अनुसूची जस्ट संविधान बनते ही उसके 2 साल बाद, 1 साल बाद जोड़ी गई थी, जो कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुआछूत का निषेध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आपका जो आपके मूल अधिकार हैं तो उसमें अनुच्छेद 17 जो है हमारा छुआछूत से संबंधित है, जो कि किसी पब्लिक प्लेस में कहीं भी छुआछूत का निषेध करता है, ठीक है, इसके हिसाब से छुआछूत एक अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, तो जिस प्रकार से मूल अधिकार हैं उसी प्रकार से हमारे मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, व्यक्तियों के कुछ कर्तव्य भी होते हैं देश के प्रति, तो पहले ये शामिल नहीं थे हमारे संविधान में, तो लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस हुए थे इस संविधान संशोधन में, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है, तो इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भाग 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट विभिन्न प्रकार के रिट दायर करके उन कानूनों की, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तो मूल अधिकार हैं आपके, ठीक है, 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं, 36 से लेकर 51 तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। जिस प्रकार मूल अधिकार होते हैं भारत जनता को मिलते हैं, उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक गाइडलाइन होते हैं, एक तरह से दिशा निर्देश होते हैं राज्य के लिए, मतलब गवर्निंग बॉडीज के लिए, समझ गए, संविधान में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद आपके 36 में और अनुच्छेद आपके 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, तो वहाँ पर राज्य का मतलब आज का जो स्टेट है हमारे 29 स्टेट है वो नहीं, राज्य शब्द की परिभाषा उसमें व्यापक रूप से दी गई है कि जो भी गवर्निंग अथॉरिटीज़ हैं, जो भी पावर में लोग हैं, ठीक है, एक बार देख लेना, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब है कि एक जो गवर्निंग बॉडीज रहेंगी, जो भी लोग सत्ता में रहेंगे, तो उनको एक निर्देश देते हैं कि हाँ इस प्रकार से काम करना है लोगों के भले के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के कहाँ रखा गया? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो संपत्ति का मूल अधिकार था वो उसको हटा के एक जो है संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 300A में रखा गया, 300A, 300 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको संविधान का आत्मा कहा है? तो अभी आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि बहुत लोग इसमें बोलने लगते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो इसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो इसमें डॉक्टर भीमराव ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। उनका मानना यह था कि जो अनुच्छेद 32 है वो संविधान की पूरी ताकत है, क्योंकि एक तो ये लोगों को जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, उनसे हनन करने से रोकता है, सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, और लोगों को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाने की ताकत देता है, ये अनुच्छेद 32 है, इसलिए ये संविधान की आत्मा है। लेकिन बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा। हाँ हो सकता है किसी ने कहा हो कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है। और एक क्वेश्चन और है कि संविधान की कुंजी किसको कहते हैं, ये भी आपने सुना होगा, ठीक है, तो बहुत सारे जो कई लोग संविधान सभा में थे उन्होंने संविधान की कुंजी प्रस्तावना को बोला है, और एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने संविधान की आत्मा बोला है प्रस्तावना को, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में, ठीक है, गोलकनाथ मामला था एक, उसके उसमें जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी बोला है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी, ठीक है, उसने एक निर्णय दिया है। तो संविधान की कुंजी है प्रस्तावना और आत्मा है अनुच्छेद 32, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 19, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट दायर कर सकता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 32 मैंने पहले बताया, अनुच्छेद 32 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट दायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, रिट दायर करने की शक्ति किस किस को है? केवल उच्चतम न्यायालय को, केवल उच्च न्यायालय को, या दोनों को?
तो रिट दायर करने के शक दोस्तों दोनों को है, उच्चतम न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय को भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, संसद किससे मिलकर बनती है? संसद लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी संसद लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ठीक है, ना कि लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि अगर कोई बिल पारित होता है, कोई भी कानून बनता है, तो लोकसभा में पारित होना चाहिए, राज्यसभा में भी पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति का साइन होना चाहिए। तो इसलिए राष्ट्रपति हमारा संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ठीक है, तो भारतीय जो संघ है उसकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, आर्टिकल 73 और 75 यही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, शब्द को देखो, ठीक है, मैंने बताया जो कार्यपालिका की जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ पे बात हुई है वास्तविक प्रधान, ठीक है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 24, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ये इस तरह से घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं गुमराह करने के लिए एस्पायरेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के हिसाब से होता है। तो बताना चाहूँगा अप्रत्यक्ष रूप कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से वो होता है जब डायरेक्टली हम वोट करने जाते हैं। जैसे भी लोकसभा के चुनाव हुए थे, हमने डायरेक्टली वोट किया था और हमने अपने MP को चुना और जाके फिर प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो है राष्ट्रपति को वोट नहीं देते, हमारे द्वारा जो चुने गए हुए लोग हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी कि जो सांसद और जो विधायक हमने चुने हैं वो जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब दोस्तों ये हुआ कि जैसे आप अभी वोटिंग मशीन में वोट डालने जाते हो, तो आपको जिसको वोट देना है आपने बटन प्रेस कर दिया, उसको वोट चला जाता है। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको प्रेफरेंसेस देने होते हैं। जैसे 5 लोग यहाँ पर चुनाव में खड़े हुए हैं, तो 5ों का अलग अलग आपका चुनाव चिन्ह है, तो आपको जो प्रायोरिटी 1 पे होगा तो उसके आगे 1 लिखना होगा, जो 2 पे दिया होगा उसको 2 लिखना होगा, 3, ऐसे प्रायोरिटी में मतदान होता है। ये नहीं कि आगे जाके बटन दबा दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जब सबसे पहले प्रायोरिटी 1 वाले मतदान की गिनती होती है, उसके बाद अगर उसी में जो मतों का कोटा होता है कि 50% से ज़्यादा मत मिलेंगे तो वही जीतेगा, अगर 50% से ज़्यादा मत मिल जाते हैं तो इसी में ख़त्म हो जाती है, अगर इसमें नहीं ख़त्म होती तो फिर आगे की प्रक्रिया करते हैं। इसमें मुझे समझाने में और टाइम लग सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, किसी दिन इसकी अलग से क्लास ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में देख लेते हैं, ऑप्शन है आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ निर्वाचित सदस्य बिल्कुल भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ निर्वाचित, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पौंडचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल, उपरोक्त सभी। तो आपका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि देखना अगर आ जाए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य तो गलत होगा, निर्वाचित इसलिए लिखा गया है कि जो निर्वाचित हुए हैं, क्योंकि संसद में राज्यसभा और लोकसभा में भी कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और जो लोकसभा होती है उसमें भी 2 सदस्य मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन, जिनको राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं, तो वो लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, समझ गए ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, एक ही व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसका आंसर होगा चाहे कितनी बार, क्योंकि हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कितनी बार बन सकता है, दैट मीन्स कितनी बार भी बन सकता है, लेकिन परंपरा के हिसाब से देखा गया है कि 2 बार ज़्यादा नहीं बनाते हैं, वो परंपरा है, कहीं ऐसा लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम कितनी आयु निर्धारित है? ठीक है, न्यूनतम, तो न्यूनतम आयु दोस्तों 35 ईयर्स, व्यक्ति की आयु 35 ईयर्स हो जानी चाहिए, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कितनी निर्धारित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकतम आयु, मिनिमम तो 35 ईयर्स हो गए, लेकिन अधिकतम का मतलब हुआ कितनी भी, क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 100 साल के 200 साल के भी हों कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपके एग्जाम के लिए भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, संसद के मनोनीत सदस्य, जी हाँ ये भाग नहीं लेते, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, विधान परिषद के सदस्य, जी हाँ ये नहीं लेते हैं क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, पंचायतों नगर पालिकाओं के सदस्य, जी हाँ ये भी नहीं लेते हैं, उपरोक्त सभी, तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है, ये सारे भाग नहीं लेते हैं। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न दोस्तों, आपको कैसे लगे लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, देखते रहिए, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।